आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये स्कॉर्पियो देख रहे हैं, ये स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट रहने वाला है S3 प्लस। बात करते हैं सबसे पहले कार के इंजन स्पेसिफिक की, तो आपको क्या मिलने वाला है कंपनी द्वारा, तो आपको हेमोक डीजल इंजन मिल जाएगा। बात करें आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट की, आपको 2179 का इंजन मिलेगा, जिसके अंदर आपको बात करें पावर की 120 bhp की पावर मिल जाएगी 4000 rpm के अंदर। बात करें टॉर्क की, आपको 280 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 2800 rpm के अंदर। आप देख रहे हैं फ्रंट लुक में आपको सबसे पहले आप जो फ्रंट का जो मिरर है आप ये देख रहे हैं, काफ़ी ब्रॉड आपको जो मिरर है कार का वो मिलेगा। ये अगर आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो तो आपकी रोड के ऊपर जो विजिबिलिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं कार के बॉइंट की, आप बॉइंट पे भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जो है कट्स ये दिए गए हैं कि अगर आप अपनी कार की हाई स्पीड मेंटेन कर रहे हो तो आपकी जो ग्रिप है रोड के ऊपर वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं कार के हेडलैम्प की, आपको हेडलैम्प भी कार के अंदर आप देख रहे हैं, आपको हेलोजन बल्ब मिलेंगे, सिंपल आपको बल्ब मिलने वाले हैं, आपको ये डीआर नहीं मिलेंगे, आपको क्रोम की फिनिशिंग है ये दी गई। इसके नीचे आपको जो इंडिकेटर है ये मिलने वाले हैं। फोग लैम्प आपको इस इवेंट में नहीं मिलेंगे, कोई एस सीरीज का पार्ट लगाया गया है जो आप ये फोग लैम्प देख रहे हैं, साथ में आपको जो क्रोम की जो फिनिशिंग है ये लगाई गई है और साथ में आपको जो मैट कलर की जो फिनिशिंग है ये मिलती है। अब बात करते हैं कार की ग्रिल की, आपको ग्रिल के अंदर भी ग्लोसी ब्लैक की जो फिनिशिंग है वो मिलेगी, साथ में आपको मैट ब्लैक की जो फिनिशिंग है ये मिलने वाली है और इसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिलेगा, आपको मिला क्रोम के साथ। अब चलिए बात करते हैं साइड लुक की, आपको क्या मिलने वाला है। बात करें इसके टायर साइज़ की, आपको व्हील कैप कार के अंदर नहीं मिलने वाले, वो काफ़ी ब्रॉड कार का टायर साइज़ वो मिलने वाला है। बात करें टायर साइज़ की, आपको 235/65R 17 इंच का टायर साइज़ है, आपको वो मिलने वाला है। अब बात करते हैं इधर आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलेंगे, साथ में मैट ब्लैक कलर की आपको जो फिनिशिंग है ये मिलने वाली है। अब बात करते हैं मिरर्स की, तो आपको बॉडी कलर जो मिरर्स है कार के अंदर मिलने वाले हैं, साथ में आपको मैट ब्लैक कलर की जो फिनिशिंग है ये मिलेगी। मिरर्स आप अंदर से ही यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात करें डोर हैंडल की, आपको बॉडी कलर डोर हैंडल है वो मिलेंगे और बात करें आपको जो सेकंड रो का जो डोर है इधर आपको स्कॉर्पियो लिखाया गया है वो भी आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो आपको 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कार की हमें लेंथ है वो कितनी मिलने वाली है। बात करें कार की लेंथ की, तो आपको 4456 mm की जो कार की लेंथ है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कार की विड्थ की, तो आपको 1820 mm की कार की विड्थ है वो मिल जाएगी। बात करते हैं हाइट की, तो आपको 1995 mm की कार की हाइट है वो मिलने वाली है। अब बात करते हैं कार के व्हील बेस की, तो आपको 2680 का mm का जो व्हील बेस है कार का वो मिलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कार की बैक लुक से, आपको क्या मिलने वाला है कंपनी द्वारा। आप कार के बैक लुक को देख रहे हैं, आपको सिंपल बैक लुक मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको बस पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा। इधर आपको बैक की जो टेल लाइट्स है ये मिलेंगी, इधर आपको स्कॉर्पियो लिखा जाएगा। बात करते हैं थर्ड रो में आपको क्या मिलने वाला, आपको थर्ड रो में सीट मिल जाएंगी, स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है जो कि आप अभी देख रहे हैं। आपको इतना कुछ खास नहीं मिलने वाला थर्ड रो में, लेकिन स्पेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने जो कि आप अभी देख भी रहे हैं। आपको स्पीकर मिल जाएंगे जो कि आपको एस सीरीज का पार्ट है, डोर हैंडल है आपको मैट ब्लैक में मिलने वाले हैं। बैक साइड का जो मिरर आप ये देख रहे हैं, काफ़ी ब्रॉड आपको जो मिरर है बैक साइड का वो मिलने वाला है। बताना कि आपको थर्ड रो कार की वो कैसी लगी। बात करते हैं सेकंड रो में आपको क्या मिलने वाला, आप स्पेस वाइज कार को देख रहे हैं। आपको स्पेस के मामले में बता दूं कि आपको स्पेस वाइज आपको क्या मिलने वाला है। कोई फीचर तो आपको इतने कुछ खास नहीं मिलेंगे जो कि आपको अपर वेरिएंट्स में मिलते हैं, लेकिन एक बेस वेरिएंट के होते हुए आपको काफ़ी अच्छा आपको स्पेस है कार के अंदर मिलने वाला है। आप स्पेस देखें काफ़ी हाई अमाउंट में आपको स्पेस मिलेगा। हेडरूम की बात करें वो भी आपको काफ़ी हाई अमाउंट में मिलने वाला है। आपको बैक साइड से रियर एसी वेंट मिल जाएंगे और एसी वेंट के ऊपर आपको जो क्रोम की जो फिनिशिंग है वो मिलने वाली है। मैट ब्लैक कलर की आपको जो एसी वेंट है ये मिलने वाला है। इधर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। सेकंड रो का आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलेगा, अपर वेंट्स में आप सभी को मिल जाएगा, लेकिन आपको जो हैंड रेस्ट है ये आप मैनुअली यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं। सीट कुशनिंग की बात करें काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। आप लॉन्ग ट्रिप शॉर्ट ट्रिप कार के अंदर ईजिली आप ड्राइव कर सकते हैं। बताना कि आपको कार की सेकंड रो है वो कैसी लगी। बात करते हैं फर्स्ट रो में आपको क्या मिलने वाला, तो आप डोर देख रहे हैं, तो साइड के जो मिरर है वो आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको अंदर की जो डोर हैंडल है आपको मैट ब्लैक में मिलेंगे। इधर आपको ये हुक मिलेगा, यहाँ से आप डोर को खोल सकते हैं इसको होल्ड करके। बात करें सीट्स की, तो आपको हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट है ये नहीं मिलने वाली है। तो जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपको कंपनी से ही लगाया गया है, आपको आता नहीं है कार के अंदर आपको, लेकिन ये एस सीरीज का पार्ट है। फ्रंट रो का जो कैबिन है इधर ही आपको जो पावर विंडो, चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, हैंड ब्रेक मिल जाएगा, कुछ स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलने वाला है, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, मैनुअल आपको एसी मिलेगा विद हीटर के साथ। एसी वेंट की बात करें आपको मैट ब्लैक कलर में एसी वेंट मिलेंगे, लेकिन आपको क्रोम नहीं मिलेंगे, टॉप वेंट में आपको क्रोम है वो मिलने वाले हैं। बात करें आप स्पीडोमीटर की, तो आपको आरपीएम स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, लेकिन जो टॉप वेंट है उसके अंदर आप जो कलर है थोड़ा आपको डिफरेंट मिलने वाला है। ये कार का बेस वेंट है तो आपको जो ये कलर्स हैं ये कुछ डिफरेंट मिलेंगे। इधर आपको आरपीएम स्पीडोमीटर, आप कार के जितने भी इंडिकेटर है आपको यहाँ पर वो सारे सोएंगे, अपने कार अंदर फुल कितना है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, बैटरी में कोई इशू है क्या नहीं है वो यहाँ पे सोएगा। बात करते हैं कार की स्टीयरिंग की, तो आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिलेगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल कुछ भी नहीं मिलेंगे आपको, फ्लैट स्टीयरिंग मिलने वाला है। सेंटर में आपको जो महिंद्रा लिखा हुआ है ये आपको क्रोम के साथ मिलने वाला है। बात करें मिरर की तो आपको मैनुअली मिलेगा, डे और नाइट के हिसाब से आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको सन ग्लास होल्डर नहीं मिल जाएंगे जो कि आपको अपर वेंट्स में मिलते हैं। करें रूफ पे आपको यहाँ पे जो ये लाइट्स ये मिलेंगी कि आपको येलो बल्ब में मिलने वाली है। और बात करें यहाँ पे आपको एयर बैग की ब्रांडिंग दी गई है। ग्लव बॉक्स की बात करें वो भी आपको काफ़ी बिग साइज का आपको मिलने वाला है। तो बताना कि आपको कार फर्स्ट वो से वो कैसी लगी। आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया अभी के जो आपके स्क्रीन में हैंडल है, अगर जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे नहीं पता था मैं और सभी को इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अब जानते हैं इन सिंह का नाम क्या है, शोरूम के लोकेशन क्या है और इनके फोन नंबर वो क्या रहने वाले। हेलो भैया, अमित लोरा महिंद्रा सुप्रीम मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड हिसार की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ आपको। हमारा शोरूम महिंद्रा सुप्रीम मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड हिसार जो कि 47374 पे लोकेटेड है हिसार में, और मेरा मोबाइल नंबर है 9050012401। महिंद्रा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो आप 9050012401 नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी गाड़ी फिजिकली देखना चाह रहे हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाह रहे हैं तो आप 47374 पे जहाँ पे महिंद्रा सुप्रीम मोबाइल की तरफ से ये शोरूम बना हुआ है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम सर। सो गाइस, अगर आपका मन करे महिंद्रा की कोई भी कार लेना प्लीज भैया कॉल करो, भी आपको हरियाणा के अंदर बेस्ट डील पर करने वाले। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।